आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मंगलवार को नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे के साथ मेयर नवीन जैन ने नालों की सफाई का हाल देखा। सबसे पहले मेयर सुल्तानगंज के पुलिया पहुंचे, जहां उन्होंने आवास विकास विभाग के नाले की टूटी हुई दीवार को भी देखा। इस दौरान उनके साथ बाजार कमेटी सुल्तानगंज के पुलिया के सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने महापौर क्षेत्रीय समस्याओं से भी अवगत कराया। मानसून का सीजन नजदीक होने के चलते बाजार कमेटी सुल्तानगंज के पुलिया के सदस्य नालों और सड़कों पर जलभराव की समस्या को लेकर काफी परेशान दिखे, जिसको लेकर मामले की शिकायत कमेटी के सदस्यों द्वारा महापौर से की गई। तो वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए महापौर नवीन जैन भी मंगलवार को नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे और सुल्तानगंज बाजार कमेटी के अध्यक्ष मुरारीलाल गोयल के साथ सुल्तानगंज की पुलिया स्थित नाले पर निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए थे। जैसा कि मानसून ने दस्तक दे दी है और ये इस शहर को जब इस बरसात का पानी नालों से उफन कर सड़कों पर आता है और घरों में घुसता है तो पूरा आगरा तालाब की स्थिति बन जाती है। ऐसे में कल यहाँ दौरा नगर मेयर महापौर श्री नवीन जैन जी और नगर आयुक्त स्वास्थ्य नगर अधिकारी उपनगर आयुक्त डीएम जल संस्थान महाप्रबंधक काफ़ी अधिकारियों ने कल ये दौरा किया या सुल्तानगंज की पुलिया का, जिसमें बाजार कमेटी साथ रही और बाजार कमेटी ने उस नाले का भी निरीक्षण कराया। जो नाला अभी क्षतिग्रस्त हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले उसका निर्माण हुआ था, लेकिन फिर वो पुनः काफ़ी स्थिति उसकी खराब, क्योंकि वो टूट गया चारों तरफ से, नाले का बहुत बुरा हाल है। उसका भी निर्माण के लिए बाजार कमेटी ने कल सुझाव दिया कि इस नाले को भी शीघ्र तैयार बनवा दिया जाए। मेयर नवीन जैन नालों की सफाई का हाल देखने निकले तो उन्हें मुगल रोड, कमला नगर, सुल्तानगंज, नालबंद, अशोक नगर, गोकुलपुरा के नाले चौक मिले। कुछ जगह सफाई होती दिखी भी तो केवल ऊपरी तौर पर। यहाँ फ्लोटिंग मटेरियल यानी पॉलिथीन, थर्माकोल हटे दिखे और ये अब्बू लाला दरगाह से लेकर अंजुमन होटल तक का जो नाला है, इस नाले पर मैं अंदर जानवरों का लगातार गिरना और लोग उस पर कूड़ा डालते हैं लगातार, गंदगी का ये आलम है कि वहाँ से हर राहगीर जो भी निकलता है वो कहीं ना कहीं संक्रमण की चपेट में आता है। और आगरा में आने वाले सैलानी भी जब देखते हैं इस नाले की स्थिति और देखते हैं यह बदबू है चारों तरफ, तो वो कहीं ना कहीं इस आगरा का जो है नाम, इस स्वच्छ आगरा, क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा का जो एक लोगो है उस पर बड़ा सवालिया निशान बनाता है। साथ ही इस नाले के दोनों तरफ जाली और वृक्षारोपण कराने का भी सुझाव दिया। ये सब सुझाव देने पर नगर मेयर साहब ने ये आश्वासन दिया कि इन सब चीज़ों को शीघ्र दूर कराया जाएगा और नगर आयुक्त के साथ मिलकर उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए कि इसको शीघ्र कराया जाए। और जो ढलान है, जो ढलान से नाली बरसात का पानी नालों में भरता है, वो ढलान को भी सही किया जाए। तो इन सभी समस्याओं को लेकर सुल्तानगंज बाजार कमेटी ने अपने सुझाव भी रखे हैं और आश्वासन भी मिला है कि ये जो है कार्य जो है शीघ्र कराए जाएंगे, जिससे कि ये सुल्तानगंज के आसपास क्षेत्र की सभी समस्याओं को दुरुस्त कराया जाएगा। ऐसा नगर महापौर श्री नवीन जैन जी ने ये आश्वासन दिया है। तलीझाड़ सफाई नहीं हो रही थी, मेयर ने नालों की तलीझाड़ सफाई और सुल्तानगंज पुलिया स्थित शाही कैनाल नाले की गिरी दीवार को हटाकर सफाई कराने और आवास विकास विभाग से दीवार बनवाने के निर्देश दिए हैं। मामले की गंभीरता का संज्ञान लेने के लिए सुल्तानगंज बाजार कमेटी के सदस्यों ने महापौर नवीन जैन का आभार जताया है। साथ ही उम्मीद की है कि महापौर के निर्देश पर जल्दी शिकायतों का निस्तारण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। अनिल, सी न्यूज आगरा।